फ्रेंडा, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। ये है राहुल और ये बकरी चरा रहा है। मैं इसको सिखा रहा हूँ कि बकरी कैसे चराया जाता है। इट्स बकरी, भोजपुरी में बकरी बोला जाला न। राहुल, तुम्हारा क्या नाम है बताओ? राहुल। राहुल, हुल बकरी को क्या कहते हो? हुल, इसीलिए राहुल नाम हो गया है। ये है रास्ता, ये और ये रास्ते का ट्रायंगल बना हुआ है। ये नल है, इसी रास्ते से हम लोग जाते हैं। अभी तो बरसात के मौसम, सब रास्ता ख़राब हो चुका है। तो अभी यही रास्ता है। यहाँ पहले एक ज़माना था कि बहुत बच्चे हुआ करते थे, फिर अब ये ज़माना है कि सिर्फ यह गाय भैंस हैं, बच्चे इत्यादि वहाँ बैठे हैं एक दो ठो। बट यही हमारे ब्रह्म बाबा है, जहाँ हम लोग बचपन से लेके अब तक यहाँ खेलते आए हुए हैं, लेकिन अब उतना विशेष खेल वेल होता नहीं है। तो यही सब, ये हमारा गांव है। व्यू देख लीजिए गांव का, गांव के पीछे साइड में पश्चिम साइड से ये व्यू है। तो अभी हम लोग ये हमारे गांव के जो ब्रह्म बाबा है उन्हीं के स्थान पर बैठे हुए हैं। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ये ब्रह्म बाबा का पिंडी है और ये कुछ बच्चे हैं जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। तो राहुल जी, कुछ अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। अच्छा, हाँ राहुल, आपका तो नाम राहुल कुमार है। आप पढ़ते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात, पढ़ते तो हम भी हैं, अभी तो हम भी स्टूडेंट ही हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही आप लोगों को ब्लॉग्स मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको गाँव के बारे में, पेड़ पौधे, रास्ते, पोखरा, गढ़ही, ये सब आप लोगों को दिखाते रहेंगे कैसा होता है गांव, कहीं भी जाना आना, जैसे कि कुछ भी हुआ तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यो।